अच्छा एक बात बताइए, देश में करोड़ों लोग कार ड्राइव करते हैं, आप भी चलाते होंगे, हम भी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ है? सुरक्षा मानकों पर आपकी गाड़ी कितनी खरी उतरती है? विदेश में इसकी बकायदा टेस्टिंग होती है, लेकिन अब ये टेस्ट बाहर नहीं अपने देश में भी होगा। एक पल सब ठीक चल रहा होता है, सड़क, म्यूजिक, बातचीत, और अगले ही पल हादसा। अच्छी भली मजबूत दिखने वाली गाड़ी टक्कर लगते ही कबाड़ा हो जाती है और अंदर बैठे लोगों की जान पर बनाती है। ये कैसे तय होता है कि गाड़ी कितना झटका या इम्पैक्ट सह सकती है? कितनी रफ्तार पर क्रैश या इम्पैक्ट का कितना असर बढ़ जाता है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बॉडी और उसके भीतर बैठी सवारियों पर। कार में बैठी सवारियां और ड्राइवर सुरक्षित रहें, इसके लिए गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होता है ताकि कार कितनी सेफ और मजबूत है ये पता चल जाए। गाड़ियों का ये क्रैश टेस्ट अभी तक विकसित देशों में ही होता था, लेकिन अब ये टेस्टिंग देश में भी होगी, जिसके लिए भारत में NCAP की शुरुआत हो गई है, जो देश में ही गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को परखेगी और उसकी रेटिंग देगी। प्रेजेंटली इन अवर कंट्री वी आर फेसिंग टू इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, वन इज रोड एक्सीडेंट एंड अदर इज एयर पोल्यूशन। वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियों का क्रैश टेस्ट तो पहले भी हो रहा है, तो देश में ही कार की टेस्टिंग शुरू करने से क्या बदल जाएगा? तो इसका जवाब है आपकी जिंदगी। आपको ये मालूम होना बेहद जरूरी है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो कितनी मजबूत है और हादसा होने पर आप उसमें कितने सेफ हैं। आज के तारीख में जो हमारा उपभोक्ता है वो क्वालिटी कॉन्शियस बन चुका है, उसे मालूम है कि यदि मैं थोड़े पैसे ज़्यादा भी दूं पर यदि क्वालिटी मुझे मिल रही है तो वो उसकी तरफ जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स अपनी टाइप रेटिंग कराएंगे अपनी गाड़ी की, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो ये व्हीकल के ऊपर एक स्टिकर होएगा, जो स्टिकर आपको दिखाएगा कि ये स्टिकर स्टार रेटेड है, तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब तक ग्लोबल NCAP गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता था और गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग तय करता था। एक गाड़ी की टेस्टिंग पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च आता था। ये खर्च कार कंपनी के जिम्मे आता है। इस प्रोसेस में बहुत वक्त लगता था, लेकिन हर गाड़ी के लिए एक ही टेस्टिंग स्टैंडर्ड होते थे, जबकि विदेश और भारत की सड़कों की कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसलिए सरकार ने अपना रेटिंग सिस्टम BNCAP यानी भारत NCAP लॉन्च किया। अभी तक इंडिया में नहीं था ऑटो इंडस्ट्री, टेस्ट एजेंसी और गवर्नमेंट 2-3 साल से इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, इससे ग्राहक को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यूजुअली ये मार्केटिंग में यूज़ करा जाता है, और बट इससे ये पता लगता है कि आपकी गाड़ी, सपोज़ हमारी गाड़ी है वो 4-स्टार रेटिंग है और किसी और की गाड़ी 3-स्टार रेटिंग है, उसको आप मतलब ग्राहक को समझा सकते हैं कि अच्छा ये हमारी 4-स्टार रेटिंग है या वो 3-स्टार रेटिंग है। भारत अब दुनिया का 5वां देश है जिसके पास अपना क्रैश टेस्ट रेटिंग प्लेटफॉर्म है। इससे भारत की सड़कों के मुताबिक गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होगा और उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। इससे क्या होगा, सेफ्टी फीचर वाली और मजबूत गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और कार कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कार बनाएगी, जो कस्टमर और कार कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर आप एडिशनल सेफ्टी फीचर डालेंगे, रेटिंग अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस इन प्राइस। तो एक ये कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हमें मीट करनी है। गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर पब्लिक की क्या सोच है, ये सवाल हमने आम लोगों से भी पूछा, तो देखिए लोगों का जवाब क्या था। फॉर द यूथ इट वुड बी अ यूजफुल थिंग बिकॉज़ वी ऑलवेज यू नो चेक ऑन, हम वो सब कुछ चेक करते हैं। कॉस्ट में आई डोंट थिंक क्योंकि ऐसा फ़र्क आना चाहिए। और सेफ्टी जरूरी है, फर्स्ट सेफ्टी है, सेफ्टी देख के गाड़ी खरीदेंगे। सारी चीज़ों को देख करके आदमी आजकल में जो है पैसा निवेश कर, सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर आदमी को
अपनी जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए जरूर जो है हर आदमी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम करेगा। देश को गाड़ियों की मजबूती परखने का अपना प्रोग्राम मिलने के साथ ही 30 नई गाड़ियों के मॉडल की क्रैश टेस्टिंग एप्लीकेशन भी आ चुके हैं। तो अब आप अपनी कार पर ग्लोबल NCAP नहीं बल्कि भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग देखिएगा। ये अच्छी बात है, गाड़ियां और सुरक्षित होनी चाहिए, बेहतर होती सड़कें, सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां, तेज रफ्तार, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी, इसलिए सेफ्टी रेटिंग का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और 1 अक्टूबर से देश की गाड़ियों की ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मकसद यही है कि आपकी और हमारी जिंदगी ज़्यादा सुरक्षित हो। सरकार का ये कदम अच्छा है, मुझे भी बढ़िया लगा, आपको भी बढ़िया लगा। थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ सकते हैं लेकिन इसकी सराहना करनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।